तो इस समय आप देख रहे हैं एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर जटोली महादेव मंदिर, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, भारतवर्ष में। और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर जो है वो भारत में स्थित है, हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में। और इस समय आप एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर देख रहे हैं जिसका नाम है जटोली महादेव मंदिर, और ये मंदिर भगवान शिव के लिए समर्पित है। आज का जो हमारा खूबसूरत सफ़र है ये है जटोली महादेव टेंपल का। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि जटोली महादेव टेंपल जो है, ये टेंपल जो है हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में स्थित है। और इस मंदिर की विशेषता ये है कि ये एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर इस मंदिर की दीवारों पर आप, जैसे यहाँ पर इस तरीके से मैं हाथ मार रहा हूँ, तो अगर ऐसे आप जटोली महादेव मंदिर की दीवार पर हाथ मारेंगे तो वहाँ से डमरू की आवाज़ आती है, ऐसी वहाँ पर मान्यता है। तो मैं आज आपको लाइव दिखाऊंगा कि ऐसी आवाज़ वहाँ पर आती है। तो अभी जो है हम जटोली महादेव टेंपल ही जा रहे हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए। खूबसूरत वीडियो इस बार ये बनने वाली है और ये जो सफ़र है खूबसूरत होने वाला है। तो चलिए चलते हैं जटोली महादेव टेंपल। और अब मैं सलोगड़ा पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर मैं जो हूँ खाना खाने के लिए रुक रहा हूँ। तो जिस रेस्टोरेंट में मैं खाना खाने के लिए रुक रहा हूँ ये है किचन किंग रेस्टोरेंट, काफ़ी बढ़िया यहाँ का खाना होता है। ये देखिए किचन किंग, ये किचन किंग रेस्टोरेंट के बाहर का व्यू है, देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है ये। और मैंने अपनी जर्नी जो है शुरू की थी शिमला से और मैं जा रहा हूँ सोलन जटोली महादेव टेम्पल। क्या खूबसूरत यहाँ पर नज़ारा है, ये देखिए काफ़ी खूबसूरत ये दृश्य। तो अब लंच हो चुका है तो अब चलना चाहिए यहाँ से, जितना जल्दी हो सके निकलना चाहिए क्योंकि अभी 2 बजे का समय हो चुका है। आज जो है रश बड़ा भारी है यहाँ पे जटोली महादेव मंदिर में क्योंकि संडे का दिन है, काफ़ी ज़्यादा रश है। ओह कितना रश है। ये रहा मंदिर का गेट, काफ़ी खूबसूरत मंदिर ये बना रखा है। और ये देखिए जोरदार तरीके से बना रखा है मंदिर, ये गेट, मंदिर की एंट्रेंस, मंदिर की जो एंट्रेंस है ये यहाँ से है। ऊपर जाके देखेंगे हम क्या है मंदिर में। तो लोग जो है आज काफ़ी ज़्यादा आ रखे हैं, तो लोग जो है आज काफ़ी ज़्यादा आ रखे हैं। ये देखिए इस तरफ से नज़ारा कैसे दिखता है, अंदर में गेट के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ से नज़ारा इस तरीके से दिखता है। बाहर से तो मंदिर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है, तो अंदर इसे भी ज़्यादा खूबसूरत होगा, काफ़ी खूबसूरत यह मंदिर है। तो इस समय आप देख रहे हैं एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर जटोली महादेव मंदिर, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, भारतवर्ष में। और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर जो है वो भारत में स्थित है, हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में। और इस समय आप एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर देख रहे हैं जिसका नाम है जटोली महादेव मंदिर, और ये मंदिर भगवान शिव के लिए समर्पित है। मंदिर की भव्यता यहीं से नज़र आती है, देखिए सामने लिखा है मंदिर शिवालय योगानंद आश्रम, यहाँ पर आश्रम भी है। तो सबसे पहले नारायण के आपको दर्शन करवाते हैं। ये देखिए गरुड़ जी के ऊपर नारायण, गरुड़ जी के ऊपर नारायण विराजमान है। ये देखिए कितना खूबसूरत ये दृश्य है, वाह ज़बरदस्त ये दृश्य है। देखिए मंदिर को देखिए आप क्या ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया, मंदिर की भव्यता तो देखिए किस तरीके से ये मंदिर बना है। एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर है ये जटोली महादेव मंदिर और सोलन में स्थित है, बहुत ही दर्शनीय स्थल है ये, बहुत ही दर्शनीय स्थल है ये मंदिर, बहुत ही ज़बरदस्त। और इस मंदिर के बगल में यहाँ पर है पाकशाला, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है पाकशाला यानी कि रसोई घर। और अब मैं आपको मंदिर में क्राउड दिखा रहा हूँ, ये देखिए मंदिर में रश देखिए आज कितना। मंदिर की खूबसूरती को तो शब्दों में बयां किया ही नहीं जा सकता है, ये देखिए क्या खूबसूरती इस मंदिर में, ये देखिए। और अब मैं इसके बाद जो आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है नंदी जी के साथ उनके गण, ये देखिए ये नंदी जी के साथ उनके गण, पीछे सारे गण है शिवगण और ये है आगे नंदी जी, क्योंकि मंदिर जो शिव भगवान के लिए समर्पित है तो ये नंदीगण के साथ, नंदी जी के साथ जो है नंदीगण
दर्शन कर लेते हैं। इस मंदिर की नक्काशी जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से की गई है, और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रहा था कि इसकी दीवारों में अगर थपकी मारते हैं तो आवाज़ आती है डमरू की, उसे हम देख लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं इसकी दीवारों पर हाथ से थपकी मारने से सच में डमरू की आवाज़ आती है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई डमरू की यहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, ये इसकी दीवारें हैं। मैं उस तरफ भी जा कर के देखता हूँ ऐसा होता है कि नहीं। मैं यहाँ पर भी कोशिश कर रहा हूँ ये थपकी मारने की, लेकिन ऐसी कोई डमरू की आवाज़ यहाँ पर नहीं आ रही है, तो मैं तो इस बात को नकारता हूँ। तो दोस्तों, जब मैं इस मंदिर में आया था तो मेरे पास जो एक जानकारी थी कि इस मंदिर में जो है इसकी जो दीवारें हैं जब उस पर थपकी मारते हैं तो डमरू की आवाज़ आती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पर दीवारें बजाने से कोई डमरू की आवाज़ नहीं आती है, ये गलत जानकारी है। इस मंदिर कमेटी के जो कर्मचारी हैं उनसे मैंने बात की है इस बारे में, तो उन्होंने मुझे कहा है कि ये जो जानकारी है ये इस मंदिर के बारे में गलत है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सोलन में एक जगह है बड़ोग, वहाँ पर एक चेवा नाम की कोई जगह है, वहाँ पर कोई शिव जी की गुफा है, तो वहाँ भगवान शिव की जो गुफा है उस गुफा में कुछ ऐसा है कि वहाँ पर कुछ बजाते हैं तो या दीवार को थपथपाते हैं तो वहाँ पर डमरू की आवाज़ आती है, यहाँ पर कोई भी डमरू की आवाज़ नहीं आती है, ये बात गलत है। लेकिन मंदिर जो है काफ़ी खूबसूरत है और आपको यहाँ पर एक बार ज़रूर आना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। तो मेरी जो आज की यात्रा है जटोली महादेव टेम्पल की, वो काफ़ी खूबसूरत रही है। हाँ, इस बात का मैं विरोध ही करता हूँ कि यहाँ पर जो है इस मंदिर में किसी भी प्रकार की दीवार को थपथपाने से कोई भी डमरू की आवाज़ नहीं आती है। तो दोस्तों, आज के लिए फिर इतना ही, तो अब अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तो वीडियो को कीजिए लाइक शेयर और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।